गुलमर्ग में आके फट गई। मौसम देखो कैसा खराब हो चुका है। अब हम लोग कितने घंटे के लिए फंस गए? अभी मजा आएगा ना। अल्लाह का शुक्र भाई, बैठ गए हम इसके अंदर। किसके अंदर? जो चार पांच को एक साथ अंदर ले लेती है ना वो। ए, एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। गोंडोला। और देखो दूसरा दिन है आज कश्मीर का, गुलमर्ग में। ओ भाई वैसे तो इसके अंदर जाते हैं छह लोग, पर हमारी प्राइवेट हमने करवाया है, पूरे की पूरे कैबिन हमारा ही है, हमारा ही है। हमारे भाई है रिहान भाई, गाइड भाई। हम लोग जा रहे हैं ऊपर गुलमर्ग फेज वन, क्योंकि फेज टू पे इसलिए नहीं जा रहे यार, फेज टू भी जाना था बट वहाँ पे वो मेंटेनेंस चल रहा है तो 15 से 20 तक वो बंद है। अब वो बंद है तो बस फेज वन जाते हैं, और क्या करते हैं, जाना तो है ही गुलमर्ग में। वैसे कुछ है नहीं इसके अलावा, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इससे। आती स्नोफॉल पड़ गई है, दिमाग खराब हो गया भाई साहब। आते ही क्या नसीब वाला है तुम्हारा भाई, आती स्नोफॉल मिल गई। हालत देखो यार की, बेगम तुम कुछ ले लो, जैकेट वगैरह, शॉल उड़ लो, रखे में बातें चले। स्टार्ट हो गई भाई, बर्फ गुलमर्ग में आके फट गई। मौसम देखो कैसा खराब हो चुका है, मौसम हो गया है बहुत खराब। सूत्रों से पता चला है स्नोफॉल और ज्यादा पड़ने वाली है। मजा यही है भाई साहब, सच में 2 दिन से कश्मीर में हूँ पर वो बात ही नहीं आ रही थी, पर आज आ रही है। बिताने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, ये हमारे आपके आगे आने के बाद ही तो स्नोफॉल हो गई। और इतनी हवा, ये 2 टोपे ले लिए भाई। यहाँ पे अंदर बैठने की जगह ढूंढी है, ये यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर अंदर आराम से। ओहो ये तो बढ़िया हिसाब है, बैठिए बैठिए। हाँ ग्लव्स भी बोले मैंने उसको लाने के लिए। इतना तेज हो गया स्नोफॉल, अब बेइज्जती है। ओ भाई गिर गिर के हो गया बुरा हाल, तो मैंने खुद को पेलना शुरू कर दिया। करो हाथ जोड़ के इतनी ज्यादा सर्दी है बाहर, इतनी ज्यादा सर्दी है जिस तरह से आपको है, कितना ज्यादा हो गया। मैंने टोपा ले लिया और ग्लव्स ले लिए। टोपा? हाँ टोपा यार, टोपा ही है। हाँ जी ये यहाँ पे बच्चे ही, एक फैमिली आई है, बच्चे को बेचारे को बहुत सर्दी लग रही है। अभी मैंने इस बच्चे को रब किया अच्छी तरह से। मेरे को समझ में नहीं आती लोग छोटे बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके कैसे आ जाते हैं। नहीं लाना चाहिए भाई, नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं सह पाते जितनी सर्दी होती है। और बहुत ज्यादा सर्दी है, इतनी ज्यादा सर्दी हम खुद बैठे हुए कहवा पी रहे हैं यहाँ पे। मजेदार, इधर आओ इधर, यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे पूरा व्यू आएगा ना। तुम्हारे भाई ने लगा लिया है टोपा। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाते रहना भाई। यहाँ पे मेरी फटके चार हो गई, दोनों उंगलियां जम गई तुम्हारी मेहनत में। जल्दी से
मोमोज वोमोज खा लेते हैं। देखो दिल्ली वाले ना यार, मोमोज तो हर जगह दिख जाते हैं तो लेने पड़ते ही हैं। क्या व्यू है और क्या मोमोज है। एक तुम लोग पटरियों पे बैठ के मोमोज खाने वालों, हाय 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 हाय। मैगी नहीं खाई। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल पिलियल। पहाड़ों में और मैगी नहीं खाई, क्या फायदा। ये है कुछ नशा, और ऐसे करके फोटो डालो रिश्तेदारों की, दोस्तों की, सबकी जलाओ। बस भाई निकलने लगे हैं, ये पटरों पे बिठा के धक्का मारते हैं इधर उधर। ये काम तो देखो हमारे बस का है नहीं, ना हमें बैठना। बाकी इसके अलावा देख लो ये सब, क्या सफेद सफेद मौसम हो चुका है। यहाँ से पहुंचेंगे सीधे पहलगाम। ओ भाई यहाँ बहुत ध्यान से चलना। और हाँ ये मेरे बूट्स दिख रहे हैं, ये कोई किराए के बूट्स नहीं है, कहीं तुम लोग सोचे गम बूट्स हैं। ये कोई गम बूट्स नहीं है, अपने ले रखे हैं बढ़िया वाले बूट। ये स्कीइंग करा रहे हैं ये साले, बेवकूफ बना रहा है। यहाँ से स्कीइंग कराएंगे वहां तक, वहां से फिर से यहाँ तक, यहाँ से वहां तक। ओली में करी थी एक बार स्कीइंग, इसी तरह से हमारा बेवकूफ बनाया था उन्होंने, और हम बने भी थे। पर यार हर बार थोड़ी बनेंगे, इंसान एक बार बन जाता है। ये कबूतर को देखो कैसे चल रहा है, ये भी सर्दी के अलग ही मजे ले रहा है। अब ये गंडोला में वापस बैठ रहा है, यहाँ से फिर लो हम लोग जाने लगे नीचे। अब जाते हुए भी देखना कितनी लंबी लाइन है भाई साहब, इतनी दूर। अब हम लोग कितने घंटे के लिए फंस गए, दो सेकंड के लिए बस। दो घंटे के लिए फंसते तो बात अलग होती है। अच्छा कल आ जाते तो फिर अच्छा था। क्यों कल तो फंस गए थे 3 घंटे के लिए। कल हाँ। अगर कल आना था आपको अच्छा रहेगा। वो बोल रहे थे कब नीचे पहुंच जाएंगे। मैंने किया काम बड़ा, घर के मगर बाधा छोड़ू ना, छोड़ू ना।
बारिश हो रही है? नहीं नहीं बारिश नहीं है, वो देखो नीचे नदी, सामने का लैंडस्केप देखो ना। भाई जी हमने फिश, भाई कोई बेहतरीन किस्म का बुफे था होटल का, अफसोस से आप लोगों को दिखा नहीं सका यार। फिर बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मैंने और आपकी भाभी ने, और अगले दिन पहलगाम जाने की तैयारियां की, डिस्कशन किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत होने वाला है पहलगाम का व्लॉग। जिन लोगों ने देखना है वो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।